हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, मैं आपका फ्रेंड अजय आ गया हूँ आपके सामने एक और शानदार वीडियो लेके। आज की ये जो वीडियो हमारी होने वाली है, ये होने वाली है ट्राइसेप्स वर्कआउट के ऊपर। तो ट्राइसेप्स वर्कआउट को कैसे करना चाहिए जिम में, कितनी एक्सरसाइज होती हैं, कैसे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्सरसाइज की नॉलेज होने से ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको एक्सरसाइज की नॉलेज है और वो नॉलेज को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप जिम जाते हो, वर्कआउट अच्छे से नहीं करते हो, डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, तो दोस्तों बॉडी बनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्कआउट और फुल्ली डेडिकेटेड होना पड़ेगा, जब जाके आपकी बॉडी बन पाएगी। और फुल्ली डेडिकेटेड आप कैसे होगे, आपको अपने माइंड में ये रखना है कि मेरे को कुछ भी हो, बॉडी बनानी है तो बनानी है। दोस्तों, कोई भी अगर अपने मन में कोई चीज़ ठान लेता है ना, तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता है। बस आपका जो माइंड सेट है वो उस तरीके का होना चाहिए कि आपको आपका गोल अचीव करना है। और आप अगर ऐसा सोच लेते हैं कि मेरे को वो गोल मेरा अचीव करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप्स की वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा जिम में अवॉइड कर देते हैं, और जबकि वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेस होती हैं। तो ऐसी 5 एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव हैं, और जो आप देखेंगे तो आई एम श्योर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये जो एक्सरसाइज आप मिस करते थे वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स पुश डाउन। अभी लोग बोलेंगे कि ट्राइसेप्स पुश डाउन ये क्या अलग है, ये तो सेम ही है जो हम लोग करते हैं वही है। नहीं दोस्तों, ये थोड़ी अलग है। जब आप ट्राइसेप्स पुश डाउन एक्सरसाइज करेंगे तो जनरली लोग क्या करते हैं, उसमें स्ट्रेट रॉड यूज़ करते हैं। बट आपको स्ट्रेट रॉड यूज़ नहीं करनी है, आपको जिगजैग रॉड यूज़ करनी है, जैसे मैंने इस एक्सरसाइज में यूज़ की है। तो जिगजैग रॉड यूज़ करने से बेनिफिट क्या है कि वो जब जिगजैग रहेगा तो आपको डाउन वाला पोर्शन को पकड़ना है, और जब आप उसको नीचे लेके आओगे तो आपको पूरा स्ट्रेच करना है, अपने जो आपका हाथ है उसको पूरा स्ट्रेच करना नीचे तक। जब आप पूरा उसको फुल स्ट्रेच करेंगे, जब ये आपका ट्राइसेप्स पे स्ट्रेस आएगा। ऐसा नहीं है कि आप नीचे लेके आओगे उसको फुल्ली स्ट्रेच नहीं करोगे, फिर उसको ऊपर लेके जाओगे, तो वो आधी एक्सरसाइज हो जाएगी, और आधी अधूरी चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होती है। स्ट्रेट रोड में क्या है कि आप जितना वो स्ट्रेट है उतने ही उसको नीचे ला पाएंगे, उससे ज़्यादा वो नीचे नहीं जाता है। बट आप जिगजैग जब रोड लेंगे तो ऑलरेडी पहले से ही आप नीचे उसको पकड़ेंगे, तो और ज़्यादा स्ट्रेच करने पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस एक्सरसाइज से। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब आप ट्राइसेप्स पुश डाउन एक्सरसाइज करेंगे तो आप जिगजैग रोड यूज़ करके देखें। दोस्तों, अब आते हैं हम सेकेंड एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है ट्राइसेप पुश डाउन वी बार। वी बार क्यों मैंने लिया है, इसमें मैंने सिंपल ही रोप क्यों नहीं लिया है। दोस्तों, रोप में क्या है कि आप जब रोप से एक्सरसाइज अगर करते हैं तो हाथ इनबैलेंस हो जाता है, बट ये जो बार है ये फिक्स्ड रहता है, इसमें आपका हाथ इनबैलेंस नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने अकॉर्डिंग वेट लगाना है, जैसे कि मैं हर एक्सरसाइज में बताता हूँ कि आपको 4 सेट मारने हैं एक एक्सरसाइज के। और पहला जो आपका सेट होगा वो होगा 15 का, दूसरा आपका होगा 12 का, तीसरा आपका होगा 10 का, और चौथा आपका होगा 8 रेप का। तो इस तरीके से आपको रेपिटेशन निकालने हैं। तो अभी हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो इसमें आपको करना कि आपको वी बार लेनी है और आपको स्ट्रेट खड़ा हो जाना है। तो आप मशीन की तरफ में अपनी पीट करके खड़े होंगे और आपको फुल स्ट्रेच करके ये सेट लगाना है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपको जो नॉर्मल आप वी बार सामने से लगा देते उससे ज़्यादा ये वाली इफ़ेक्टिव आपको लगेगी, क्योंकि इसमें आपका जब हाथ ऊपर लेके आएंगे तो वो फुल स्ट्रेच होगा, इस तरीके से फुल स्ट्रेच होगा ये वाला जो आपका पार्ट है, क्योंकि आप बिहाइंड खड़े हैं, आप उल्टे खड़े हैं, आपकी ना कि सीधे खड़े हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, आप इसको जिम में ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिए 1 मंथ 2 मंथ तक, उसके बाद आप रिजल्ट देखिए। और आपको अगर ये एक्सरसाइज अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को लिख के बताना कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला। दोस्तों, अब हम आते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है ट्राइसेप्स रिवर्स पुश डाउन। इसमें क्या करना है आपको कि आपको एक जिगजैग रोड लेनी है और उसको रिवर्स पोजीशन में पकड़ना है। आपने जब
फर्स्ट जो एक्सरसाइज की थी उसमें आपने सीधा उसको पोजीशन में पकड़ा था, इसको आपको रिवर्स पोजीशन में पकड़ना है और सेम वैसे ही एक्सरसाइज करनी है जैसे आपने ट्राइसेप पुश डाउन किया था। इसमें ये क्या है, ये रिवर्स है और जो ट्राइसेप रिवर्स एक्सरसाइज है वो ट्राइसेप पुश डाउन से एडवांस है। तो एडवांस है तो इसका रिजल्ट भी आपको एडवांस मिलेगा और आई एम श्योर ये वाली एक्सरसाइजें बहुत ही कम की जाती हैं जिम में। बहुत से लोग नॉर्मल अपना डंबल या रोड से एक्सरसाइज कर लेते हैं पर इस तरीके से रिवर्स एक्सरसाइज बहुत ही कम लोग लगाते हैं। आपको ये एक्सरसाइज लगानी है क्योंकि ये एक्सरसाइज वो है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो दोस्तों हम आते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज पे जिसका नाम है केवल ट्राइसेप्स किक बैक्स। इस एक्सरसाइज को कैसे लगाना है, ये एक्सरसाइज आप मशीन पे लगाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है उसको बैंड कर लेना है और अपने हाथ को आप इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे जिस तरीके से मैंने एक्सरसाइज में उठाया हुआ है अपने हाथ को, और आपको ये मशीन से एक्सरसाइज लगानी है। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो आपका बॉडी पार्ट है ट्राइसेप्स का, ट्राइसेप ब्रैचियाइस और ब्रैचियाइलिस, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वर्क में आते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव भी है दोस्तों, अगर आप मशीन पे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको डंबल से भी लगा सकते हैं। बस उसमें क्या करना है कि आपको मशीन की जगह पर डंबल यूज़ करना है और पोजीशन आपकी सेम ही रहेगी। तो दोनों ही तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, बट ये एक्सरसाइज मैंने मशीन पे इसलिए की है ताकि आप लोगों को जो बिगनर्स हैं उनको बैलेंस बनाने में दिक्कत नहीं हो और उनको ये बहुत ही ईजी तरीके से वो कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे एक्सरसाइज बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक्सरसाइज को फॉलो नहीं करेंगे जिम में जाके, आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करेंगे, आप बॉडी बनाने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है और बॉडी नहीं बनेगी, आप ये मान लो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि आपको खुद को अपने आप को सेल्फ डेडिकेट होना पड़ेगा। आपके अंदर जब जुनून होगा बॉडी बनाने का, जिम करने का, जब ही आप जाके एक्सरसाइज कर पाओगे अच्छे से। क्योंकि दोस्तों जिम में जाने के बाद आप लोहे के साथ आपको लड़ना पड़ता है, डंबल्स सारा इक्विपमेंट लोहे का होता है, उससे हमारे शरीर को हमारे को लड़ना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ से पूरा तैयार होना पड़ेगा और जब आप यहाँ से तैयार हो जाओगे तो आपको एक्सरसाइज की ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी ना दोस्तों, जब भी आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं। और एक बार जब आपकी बॉडी बन जाएगी तो उसको आपको सिर्फ मेंटेन करके रखना है और उसके बाद आपका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा ही चेंज हो जाएगा। दोस्तों आते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे जिसका नाम है बेंच डिप्स। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी अभी तक मैंने एक्सरसाइज आपको बताए हैं उसमें आपको 4 सेट मारने हैं। मैंने आपको बताया भी पहले में 15, 12, 10, 8 इस तरीके से रेपिटेशन करने हैं, बट इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप फ्री वेट मार रहे हैं जिसमें आप वेट यूज़ नहीं कर रहे हैं बेंच डिप्स में, तो आप 5 सेट मारेंगे और हर एक सेट आपका 20 रैप का होना चाहिए। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जब आप इस एक्सरसाइज के पूरे सेट लगा लेंगे ना तो आपका जो बाइसेप्स का जो साइज है आप खुद भी देख के हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा ये रिजल्ट देती है एक्सरसाइज। अगर आप इसमें वेट यूज़ करते हैं जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में दिखाया है तो आपको इसके 4 ही सेट मारने हैं, फिर आप वैसे ही मारेंगे जैसे बाकी एक्सरसाइज के रेपिटेशन निकाले हैं। फ्री वेट अगर मारते हैं जब आपको 5 सेट करने हैं और हर एक सेट में 20 रैप निकालने हैं। तो दोस्तों ये थी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजें जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंट लगता है नॉर्मल एक्सरसाइजों से और आपको लगता है कि ये आपके काम की है, आपके नॉलेज की है, आपकी बॉडी को ग्रो करने में आपको बहुत हेल्प करेगी, तो दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, किसी भी काम को करने के लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ता है, दूसरे के बोलने से कुछ नहीं होता है। जिस टाइम आप खुद तैयार हो जाओगे फिर कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाओगे। मैं जिम में भी देखता हूँ बहुत से ऐसे लड़के हैं जो एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, स्टार्ट करते हैं जिम में और वो 2-4 दिन बाद ही हार मान जाते हैं। दोस्तों वो हार इसलिए मान जाते हैं कि उनको 3 या 4 दिन बाद बॉडी में पेन होने लगता है, बट वो पेन ही आपको ग्रो कराएगा। दोस्तों स्टार्टिंग में आप कुछ भी काम करोगे उसमें दिक्कत परेशानी होगी, फिर उसके बाद जब उस चीज़ की आपको आदत पड़ जाएगी तो आई एम श्योर
आपको इतना मजा आने वाला, बस आपको वो स्टार्टिंग का जो टाइम है आपका 10 से 15 दिन का, वो आपको मैनेज कर लेना कैसे भी करके। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप जिम में वर्कआउट करते हो तो दोस्तों जिम में घुसने से पहले ये कसम खा के घुसो कि आज मैं पूरा डंबलों को खा जाऊंगा। और जब ऐसे आप घुसोगे तो आपको डंबल्स मशीन देख के दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मशीन और डंबलों को आपसे दिक्कत होगी। और जब आप वेट लगाओगे, आप देखो आपको जो वेट लगाना है वो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लगाना, किसी की देखने में आके ज़्यादा वेट नहीं लगाना, क्योंकि उसमें इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका कैपेसिटी जितना है आप उतना ही वेट लेके एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कभी इंजरीज नहीं होंगी। दोस्तों मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा कि जिम में आपको किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइड करना चाहिए जिससे आपको इंजरीज नहीं हो, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर कोई मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल पर पहली बार आया है और उसको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे को सपोर्ट करें। जब तक के लिए गुड बाय।